अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है, एक फ्रूट के अंदर भी आता है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को भेड़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों भेड़ा जड़ी बूटी को इसके अलावा भी भिटकी भी बोला जाता है, इसके अलावा से बलीला फ्रूट भी बोला जाता है। और दोस्तों भेड़ा जड़ी बूटी को चाइनीज हर्बल देसी इंग्लिश अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका ज़्यादातर पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, इसका तेल भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसका लेप करके भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ज़्यादातर भेड़ा जड़ी बूटी को स्किन डिजीज़ के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा बालों की सेहत के हवाले से भी ये बेहतरीन है। दोस्तों भेड़ा के तेल को इस्तेमाल करने से बालों का गिरना टूटना बंद हो जाता है, बालों की खुश्की ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों सर से जुएं और लिखों का भी खात्मा करता है। दोस्तों भेड़ा फ्रूट जो है त्रिफला का एक अहम जुज़ है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको त्रिफला के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों भेड़ा के मजूने भी बनाई जाती हैं। और दोस्तों मैदे के अल्सर के लिए बेहतरीन है, आंतों के अंदर कोई जख्म है, पेप्टिक अल्सर है, सिंग्रैनी है, उसके लिए बेहतरीन है। दोस्तों दैनिक दबाव और तनाव को भी कम करता है, सांस से रिलेटेड जितनी बीमारियां उसका इलाज इसके अंदर है। उसकी खांसी को दूर करता है, दमा को दूर करता है। दोस्तों इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को भी खत्म करता है, जख्मों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जिगर की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, जिगर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज इससे किया जाता है। और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड शुगर को सतह पर लेकर आता है। और दोस्तों भेड़ा फ्रूट का इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी तेज़ हो जाती है, गले की सोजिश के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों बहुत सारे बुखारों के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, दिल खराब हो रहा है, मतली हो रही है, उल्टी हो रही है, उसके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से आंतों के अमराज के लिए बेहतरीन है, बवासीर का इलाज इसके अंदर है। दोस्तों दिमाग को ताकत देता है और सर दर्द को दूर करता है। चले दोस्तों ये तो थे भेड़ा फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों भेड़ा का यानी बलीला का जो मिजाज है सर्द खुश्क है, इसका मुतवातर इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल जो है स्किन को ड्राई करता है, किडनी स्टोन्स पैदा करता है। दोस्तों इस वजह से इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों 1/4 टीस्पून भेड़ा के पाउडर को आप जो है 3 से 6 ग्राम तक एक गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, जैसे नीम गर्म दूध के साथ पी लें, तो दोस्तों आपको इसके तमाम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों भेड़ा फ्रूट आपको पाउडर फॉर्म के अंदर या सूप फॉर्म में या साबत जो है हर छोटे मोटे पंसारी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगा। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भेड़ा इन भी भिटकी बलीला के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है भेड़ा के बारे में तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों इसके अलावा भी आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।